पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर राजनीति नहीं करेंगे, उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट किया। गंभीर ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने पोस्ट में थैंक्स कहा। दरअसल गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं। गौतम गंभीर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वर्तमान में वे आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटोर भी हैं। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वे मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। गौतम गंभीर फिलहाल पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी। तब गंभीर ने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया था। गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारतीय टीम का सदस्य रह चुके हैं। दोनों ही टूर्नामेंट के फाइनल में गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेली थी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे। वहीं वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में उनके बल्ले से 91 रन निकले। गंभीर आईपीएल में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर हैं और वह लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मेंटोर भी रह चुके हैं। गंभीर ने भारत की ओर से अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 58 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 41.95 के एवरेज से 4,154 रन बनाए, जिसमें 9 शतक शामिल हैं। गंभीर ने 147 वनडे इंटरनेशनल में 39.68 की औसत से 5,238 रन बनाए, जिसमें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के वे 97 रनों की यादगार पारी है, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया था। वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारी खेली थी। गंभीर ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 37 मैच में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही थी।